हेलो गेमर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपकमिंग दिवाली इवेंट्स के बारे में। तो बिना कोई टाइम जाया करें, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपकमिंग टॉपअप इवेंट के बारे में, जो आप लोगों को 29 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 100 डायमंड्स में देखने को मिलेगी 3 AC80 की क्रेट्स, जिसमें अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप लोगों को मिल जाएगी गन की स्किन, वरना आप लोगों को पकड़ा देंगे वो लोग टट्टी, जिसका आप कुछ प्रयोग नहीं कर सकते। एंड 500 डायमंड या फिर 300 डायमंड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी ग्लू वॉल की स्किन, जो कि काफ़ी अच्छी है, मतलब आप लोग निकाल सकते हो, बट 100 डायमंड वाला रिवॉर्ड इज़ नॉट वर्थ इट। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपकमिंग डाइनो रॉयल के बारे में, जिसमें आप लोगों को डाइनो वाली ड्रेसेस देखने को मिल सकती है रिटर्न पे। पिछले साल भी ये दिवाली इवेंट पे आई थी, बट ये क्रेट्स में अवेलेबल थी, बट इस बार लीक से पता चल रहा है कि एक स्पेशल डाइनो रॉयल आएगा, जिसमें आप लोगों को ये डाइनो वाली ड्रेसेस देखने को मिल सकती हैं। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं अपकमिंग ईवो गन के बारे में। अपकमिंग तो नहीं बोलूँगा, ये रिटर्न वाली ही ईवो गन है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी दिवाली इवेंट के आसपास। तो आप लोगों को अपकमिंग देखने को मिल सकती है ड्रैको AK का रिटर्न, जो आएगा फेडेड व्हील में, तो आप लोग इसको निकाल सकते हो। एंड जो डेट इसकी कंफर्म हो रही है वो है 29 अक्टूबर, जिस दिन आपका टॉपअप इवेंट आएगा उस दिन आपको ये देखने को मिल सकती है। तो गाइस, जितनी देर से तो हम लोग बात कर रहे थे उन इवेंट्स के बारे में जिनमें आप लोगों को पैसे या फिर डायमंड्स लगाने पड़ते, बट अब हम लोग बात कर लेते हैं उस इवेंट के बारे में जो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक मैजिक क्यूब। बट इसमें भी एक सस्पेंस है, आप लोगों को ये मैजिक क्यूब तभी मिलेगा जब आप लोग उस दिन 150 मिनट्स के लिए फ्री फायर खेलोगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, घर में जितने भी मारने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, बेल्ट हो गई, चप्पल हो गई, घर से पहले हटा देना। अगर आप लोग 150 मिनट खेलोगे तो घर वाले आप लोगों को पागल समझ के पक्का पेलेंगे उस दिन, और कतई सुताई होने वाली आप लोगों की उस दिन। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, मैजिक क्यूब आप लोग तभी क्लेम कर पाओगे जब आप लोग 150 मिनट्स खेलोगे। एंड जो इसकी डेट निकल के आ रही है मैजिक क्यूब की, वो है 14 नवंबर। तो गाइस, मैजिक क्यूब का तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो कंफर्म आप लोगों को 14 को देखने को मिल जाएगा, बट आप लोग सब लोग सोचोगे कि मैजिक क्यूब का हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि मैजिक क्यूब वाले सेक्शन में तो है टट्टी, एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, सारी वाहियात है डायमंड रॉयल की जो पहले आ चुकी है डायमंड रॉयल में, और सबके पास है, कुछ रेयर आइटम तो है नहीं। तो मैं बता दूं पहले ही आप लोगों को कि आप लोगों को दो नई ड्रेसेस देखने को मिलेगी, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूं स्क्रीन पे। तो गाइस, ये वाली जो नई ड्रेसेस आने वाली है ये भी कोई उतनी खास है नहीं, बट जो पुरानी वाली ड्रेसेस है उनसे तो बेटर ही है, क्योंकि पुरानी वाली सारे लोगों के पास है तो वो एकदम रूबड़ी सी ड्रेस लगती है, क्योंकि सब लोग वही पहन के घूमते रहते हैं। तो अच्छी बात है कि नया ड्रेस आ गया, तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना मैजिक क्यूब वाले एक्सचेंज सेक्शन में। तो गाइस, अगर आप लोगों को फ्यूचर की अपडेट्स मिल गई हो इस वीडियो के द्वारा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।